की मदद से 178 परिवार अपनों की तलाश में जुटे हैं। हैम रेडियो ने भी उत्तराखंड में अपनी टीमें भेजी हैं ताकि लोगों को ढूंढने में मदद किया जा सके। इन दिनों अंबरीश नाग विश्वास अपने कमरे से बहुत कम निकलते हैं। वो इस कोशिश में हैं ताकि लापता लोगों को ढूंढ सके। उत्तराखंड में भारी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं, जो बंगाल से हैं। अंबरीश उन लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। कोई कोई आदमी बूढ़ा आदमी है, बेजेड आदमी है, लोग घर में आए, लोग पूरा आदमी चला गया, वो लोग रोने लगता है। अच्छा ही हम लोग के भी अच्छा नहीं लगता है। जिसका आदमी लोग गया है वो तो लोग कथो सब चला गया ना। वो लोग जैसा फोन आप ऐसे फोन रिसीव करेगा तो आपका भी ऐसा लगेगा, कभी भी आ जाएगा। हैम रेडियो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आसानी से रेडियो ऑपरेटर एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकता है। हैम रेडियो को इस्तेमाल करने वाले लोगों का कहना है कि जहां मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं मिलता वहां भी रेडियो का सिग्नल मिल जाता है। हमारा बीच में कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, सो इसीलिए एडवांटेज है सेलफोन से। सेलफोन को मतलब दोबारा रेस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। हम लोग ऑलरेडी रेडी टू गो होता है, हमारे पास बैटरी होता है, इक्विपमेंट्स होता है, वी कैन गो टू एनीवेयर। ये मुखर्जी परिवार है। कोलकाता का ये परिवार 15 जून से लापता है। अब इनके परिवार वाले आकर हैम रेडियो का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही करीब 178 परिवार अब तक अंबरीश बाबू के पास आ चुके हैं। अंबरीश इन लोगों के बारे में उत्तराखंड में बैठे अपने उन रेडियो ऑपरेटर्स से बात करते हैं जो कि फिलहाल मसूरी और देहरादून में हैं। हैम रेडियो के वो ऑपरेटर्स अंबरीश से सूचना मिलने पर वहां के राहत कैंप्स में जाकर उन लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। फिलहाल हैम रेडियो की तरफ से हैदराबाद से 5 लोगों को उत्तराखंड में काम करने के लिए भेजा गया है। दिल्ली से परिमल के साथ कोलकाता से दिव्यानी, एनडीटीवी इंडिया। आप लोग इंतजार बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं और अपनों की तस्वीर लेकर अपने